तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव testbook.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज यहाँ पे क्या करते हैं, जीके का जगराता 11 से 12 बजे तक, जहाँ पर 100 प्रश्नों का तांडव होता है। 60 मिनट में 100 प्रश्न, मतलब रिवीजन क्लास, जहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे हम आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज एग्जाम दोस्तों सर पर आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन वुमन परफेक्ट, सो वी नीड टू डू प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड इवनिंग। यस, रितिका जी, सलोनी जी, ज्योति चौरसिया जी, हशीरा, ओके, सभी लोग यहां पर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और दोस्तों, प्रैक्टिस करना है तो मॉक टेस्ट भी लगाना है, इसलिए टेस्ट बुक लेकर आए आपके लिए, डील ऑफ द मंथ, जहां पर आपको दोस्तों 399 में 12 महीने का पास मिल रहा है। आप यहां पर दोस्तों एक नहीं 470 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो 34,000 मॉक टेस्ट के साथ। और दोस्तों, इस 399 में भी डिस्काउंट ले सकते हैं बाय अप्लाइंग माय कूपन कोड गेम पास। क्या दोस्तों? GAMPASS। इस कोड को यूज करते ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज देवेंदु बरुआ रिलेटेड, चेस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और हॉकी। दोस्तों बताइए यहाँ पे किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताएंगे, आंसर करना है और आगे बढ़ते चलना है। 60 मिनट में 100 प्रश्न। दोस्तों आज भी आपको क्या काउंट करने हैं, आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, ठीक है? तभी मजा आएगा जब आप बताएंगे 100 में से कितने करेक्ट हुए। यहाँ पे चेस कह रहे हैं रितिका, ज्योति कह रहे हैं सर बैडमिंटन, प्रिंस कह रहे हैं सर चेस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे चेस इज द करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? चेस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विच स्टेट इन इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, हरियाणा, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। भैया किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, हरियाणा, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे रितिका कह रहे गोवा होना चाहिए, जयसवाल जी कह रहे गोवा, ओके, सौरभ गोवा के साथ, प्रिंस, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, गोवा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्तों, इन विच स्टेट डज माउंट सेरो बोनेट लाइज, भैया कौन से राज्य में, यहाँ पर आपको बताना है कि किधर पर आपको माउंट सेरो बोनेट देखने को मिलता है, पेरू में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे या फिर ब्राजील। यहाँ पे दोस्तों ये तो कंट्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्री, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, लगता है कंफ्यूजन है। यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है, ब्राजील कह रहे हैं हशीरा, ओके, दीपचंद सी के साथ, रितिका अर्जेंटीना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर अर्जेंटीना, वेरी गुड रितिका, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सामने ये रहा, हिता वड़ा एन इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थी हिता वड़ा, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, जल्दी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और बीसी पाल, जल्दी से बताइए। और दोस्तों जल्दी जल्दी से फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे, और 60 मिनट में 100 प्रश्नों का तांडव भी तो करना है, जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर देंगे और काउंट करते चलिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। गोपाल गोपाल कह रहे हैं सभी लोग। तो दोस्तों कैप्टन मॉर्गन, हाँ जी नमस्ते, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट, भैया भारतीय की सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कौन सी है, चेन्नई में है, अहमदाबाद, थुम्बा या फिर श्रीहरिकोटा, जल्दी से बताइए। श्रीहरिकोटा कह रहे हैं रितिका, ज्योति जा रहे हैं फोर्थ के साथ, ओके, दीपचंद, प्रिंस, गौरव, दिशा, कैप्टन मॉर्गन, बहुत बढ़िया। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे थुम्पा होगा, थुम्पा, क्या दोस्तों, थुम्पा करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला पूछा है, सी ऑप्शन, वेरी गुड अमित, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया अमित जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा,
अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों आपके सामने दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे दिए हुए सल्तनत आपको अरेंज करना है कि भैया पहले कौन आया बाद में कौन आया, खिलजी, तुगलक, सैयद और स्लेव। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से टिक लगाएंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपन ने कैसे स्टार्ट किया था इसको लर्न करना, इसको किया था सख्त से लोग। कैसे लोग थे ये? सख्त से लोग थे, अपन ने ट्रिक याद की थी, राइट है। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है सब। एस से स्लेव हो गया, के से खिलजी हो गया, ठीक है, टी से तुगलक हो गया, से सैयद हो गया, और लो से लोधी हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर डी डी ऑप्शन है। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट द सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। आपको बताना है जो सुल्तानपुर यहाँ पे राष्ट्र उद्यान है वो कौन से जिले में है, सॉरी हाँ जिले में है, गुड़गांव, हिसार, यमुनानगर या रेवाड़ी। जल्दी से बताइए, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, जिला पूछा है, सुल्तानपुर जल्दी से बताइए। हरियाणा में है वो तो है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पूछा है, जिला पूछा है यहाँ पे। हिसार हिसार हिसार, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्या? गुड़गांव इज द करेक्ट आंसर, गुड़गांव इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, द स्लोगन डू और डाई इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज गिवन बाय। जलियांवाला बाग मार्टिर्स, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए डू और डाई किसने दिया था यहां पर, कौन सी राष्ट्रीय मूवमेंट में दिया गया था यहां पे कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहा जाता है अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों? अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। आपको दोस्तों एक तरफ अपराइजिंग दी हुई है और एक तरफ एरिया दिया हुआ है, अहोम, संथल, कोल, यहाँ पे असम, राजमहल, छोटा नागपुर। Which of the pair given above are correctly matched? आपको बताना है कौन सा correctly matched है यहाँ पे, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। प्रिंस कह रहे ऑल होना चाहिए यहाँ पे, गौरव डी के साथ, प्रियंका सी के साथ, कैप्टन मॉर्गन 1, 2, 3। तो दोस्तों 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हु हैव सर्वड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे फटाफट बताइए, इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, यहाँ पे ऑल कह रहे हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर भैया क्या है? ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भैया किसने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या आर के नारायण ने? फटाफट से यहां पे कैप्टन मॉर्गन कह रहे सर सी ऑप्शन होना चाहिए, जेएलएन, ओके ऋतिका, ठीक है, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है? जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, चाचा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, Which of the following pass connects उत्तराखंड with तिब्बत। भैया ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? मुलिंगला पास या फिर मंगशा दुर्रा पास या लिपू लेक पास? 1 and 2 बताइए कौन सा करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, only 1। जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? प्रिंस कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए, गिरीश कह रहे हैं सर 1 and 2, हशीरा कह रहे सर 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 1, 2 and 3। भैया आपने साथ छोड़ दिया, ऑल ऑफ द अबव का, ऑल ऑफ द अबव आज भी आपके साथ खड़ा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, रूलर इदी अमीन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। दोस्तों आपको बताना है रूलर इदी अमीन किस देश का राष्ट्रपति है? कॉन्गो, केन्या, नाइजेरिया, युगांडा, फटाफट बताएंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। दोस्तों 100 क्वेश्चन करने हैं अपन को 60 मिनट में, ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग 100 में से यहाँ पे लगभग 85 के ऊपर लाते हैं। काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने सही हुए, 85 के ऊपर मिनिमम आपको करने ही करने हैं सही, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, डी, तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर है डी, युगांडा इज द करेक्ट आंसर।
डी आंसर, वेरी गुड। आयुष, पूजा, अमित, अजय, प्रिंस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अप्लाई द फॉलोइंग एक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फ्रॉम द फर्स्ट पास टू द लास्ट। पहले बताइए कौन सा पास हुआ, फिर उसके बाद में कौन सा पास हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। जल्दी से बताइए भैया, पहले कौन पास हुआ और बाद में कौन सा पास हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे। यहां पे बोल रहे हैं सर, कैप्टन मॉर्गन कह रहे हैं सर एसीबीडी होना चाहिए, मेघा कह रहे हैं सर डी ऑप्शन। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, सीएबीडी है, सीएबीडी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वेरी गुड गौरव सिंह, बहुत बढ़िया। विनय ने भी करेक्ट आंसर दिया है, टू ऑफ कप्स, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Who among the following persons has released the book Ancient Coins of India? भैया कौन सा वो व्यक्ति था जिसने ये बुक को रिलीज किया था, Ancient Coins of India? अनिल अंबानी, देवेंद्र फडणवीस, विद्यासागर राव और प्रणब मुखर्जी। फटाफट बताइए दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ लोग टू ऑप्शन कह रहे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, सी, विद्यासागर राव, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड बप्पी सरकार, ओके। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। दोस्तों यहाँ पे हार्ट अटैक होने का कारण क्या हो सकता है, ब्लड प्रोटीन का कारण हो सकता है, ब्लड यूरिया का, ब्लड शुगर का, या फिर कोलेस्ट्रॉल का। बड़ा सिंपल सा आंसर है दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, फिर डॉक्टर वहां पे आपको बताते हैं। तो बताइए किसकी वजह से होता है, डी ऑप्शन कह रहे हैं सावी, गौरव, हशीरा, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। पहला मुस्लिम ऐसा कमांडर कौन था जिसने क्या किया था, यहाँ पे एनेक्स किया और बिहार और बंगाल को क्या कर रखा, हरा कर, सेना डायनेस्टी को हरा कर क्या कर लिया अपने कब्जे में। मोहम्मद गवन, बख्तियार खिलजी, आदिल शाह और शमसुद्दीन। यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं सभी लोग, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फौना इज फाउंड एज द टॉप प्रेडेटर इन अंटार्कटिका, लेपर्ड सील, अल्बेस्ट्रोस, सी बर्ड और पेंगुइन। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा बर्ड है भाई, फटाफट से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फौना इज फाउंड इन द प्रेडेटर इन अंटार्कटिका, कौन सा बर्ड है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग फोर के साथ जा रहे हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन है, लेपर्ड सी, क्या दोस्तों, लेपर्ड सील यहाँ पे पाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डैश इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। भैया आपको बताना है एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है अंटार्कटिका में, क्यून माउंट रेंज, माउंट एरिबस, विदा, माउंट विंसन, मसीफ। फटाफट बताएंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्टिव वॉल्केनो जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है वो कौन सा है। डी ऑप्शन कह रहे हैं गौरव, खिलाड़ी, हशीरा, विंसन, विंसन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है माउंट एरेब्रस, क्या दोस्तों, माउंट एरेब्रस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 100 प्रश्नों में से दोस्तों काउंट करते चलना कितने करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लास्ट में दोस्तों बताना भी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which tennis tournament hold the record for the longest double wins between the Leander Paice and Mahesh Bhupathi? Wimbledon, French Open, Australian Open या Davis Cup? फटाफट बताएंगे, जल्दी से दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। यहां पर दोस्तों अभी हम 190 लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 72, इसको फटाफट से ऊपर लेके चलते हैं। फोर के साथ जा रहे हैं, डेविस कप, डेविस कप, डेविस कप। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर फोर, डेविस कप इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैच द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। आपको दोस्तों एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, केरला, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब, और दूसरी तरफ टेम्पल दिए हुए हैं, दुर्गियाना टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल और पद्म स्वामी टेम्पल। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, एक तरफ आपको राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ आपको दिया है मंदिर। जल्दी से बताइए, फोर ऑप्शन कह रहे हैं रवि, हार्दिक कह रहे हैं सर बी, सावी बी के साथ जा रहे हैं, पीहू ए के साथ।
तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है प्रिंस, बहुत बढ़िया सावी जी, वेरी गुड गौरव। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वेदा इज एरेत्रिया ब्राह्मण रिलेटेड, कौन से वेद से यहाँ पर एरेत्रिया ब्राह्मण जो है वो संबंध रखते हैं, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, फटाफट बताइए, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे ऋग्वेद कह रहे हैं प्रियंका, तानिया कह रहे हैं सर ए होना चाहिए ऋग्वेद के साथ, कुछ लोग यजुर्वेद, गौरव ऋग्वेद, गिरीश वेरी गुड, ऋग्वेद करेक्ट आंसर। दोस्तों ऋग्वेद कैसा है, ओल्डेस्ट वेद है, कैसा ओल्डेस्ट वेद, 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1028 हाइम्स मतलब प्रेयर है, ठीक है, और 10600 क्या है, छंद है, वर्सेस है, ठीक है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भैया यहाँ पे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका कार्य क्या है, लीड राज्यसभा या फिर असाइंड पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर, अपॉइंट स्टेट गवर्नर, एडवाइसेस द ब्यूरोक्रेट्स, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति कह रहा हूं, प्रधानमंत्री है उनका कार्य क्या है, प्रिंस कह रहे सर बी होना चाहिए, एस्पिरेंट कह रहे सर वन, बी 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 सभी लोग जा रहे हैं, मेगा हार्दिक, तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, बी, असाइन पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर, मंत्रियों को विभाग सौंपना। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंडेटरी फॉर ऑल हाउसेज इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, हरियाणा, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने कहा है कि अपने छत पर से जो पानी बहता है उसको बचाना है और इसको मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी कर दिया है, जल्दी से बताइए। केरला कह रहे हैं सावी, तृप्ति कह रहे हैं सर बी ऑप्शन मतलब केरला, कैप्टन मॉर्गन तमिलनाडु, पीहू तमिलनाडु के साथ, गौरव तमिलनाडु, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है जिसने कहा है कि भैया अपने छत पे जब बारिश होती है तो उसको पानी को बचाना है और ये सबके लिए मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रेसिडुरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पे दोस्तों आपसे बोला गया है कि किस देश से हमने रेसिडुरी पावर जो है वो बोरो की है अपने भारतीय संविधान में, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और कैनेडा, फटाफट से बताइए। सावी कह रहे हैं सर कनाडा होना चाहिए, मोनालिसा फ्रांस कह रहे हैं, फ्रांस कैसे होगा, यहाँ पे कुछ लोग यूके, कुछ लोग कनाडा, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, कनाडा, कैडरेना से दोस्तों हमने फेडरल सिस्टम भी लिया है, क्या लिया है, फेडरल सिस्टम भी लिया है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, द फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, भैया इनमें से दिए हुए किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे फोनोग्राफ का आविष्कार किया, गैलीलियो गैलीली ने, थॉमस एडिसन ने, निसेफोर निसी ने या राल्फ बेयर ने, जल्दी से बताएंगे। यहां पे रिपा डी के साथ, खान सना डी के साथ, ओके सावी डी के साथ, दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, थॉमस एडिसन है, यूरो फाइटर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड यूरो फाइटर, थॉमस एडिसन ने दोस्तों बल्ब की भी खोज की थी, ठीक है, और गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की, किसकी, टेलीस्कोप की। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कनेक्टिंग पीपल इज द टैगलाइन ऑफ विच कंपनी, भैया यहाँ पर किस कंपनी का टैगलाइन जो है वो कनेक्टिंग पीपल है, मोटोरोला, एचटीसी, नोकिया, सैमसंग, दोस्तों कई बार आपने एड में देखा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा हशीरा कह रहे हैं सर मैंने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड हशीरा, यहाँ पे सब कह रहे सर नोकिया 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 नोकिया, तो दोस्तों करेक्ट आंसर नोकिया, नोकिया दोस्तों कौन सी कंट्री का भैया कंपनी है, फिनलैंड है क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए फिनलैंड है क्या, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, क्या दोस्तों, हेलसिंकी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच नेवल डॉकयार्ड लॉन्च द इंडियन नेवीज अंडर वाटर विजिल सिस्टम, भैया कौन से नेवल ने यहाँ पे डॉकयार्ड लॉन्च किया है इंडियन नेवीज अंडर वाटर विजिल सिस्टम, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, बॉम्बे डॉकयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या मजगांव डॉक लिमिटेड, जल्दी से बताएंगे दोस्तों कौन सा डॉकयार्ड है, कौन सा बंदरगाह है, मजगांव कह रहे हैं कैप्टन मॉर्गन, खिलाड़ी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होना चाहिए, कुछ लोग गोवा कह रहे हैं, दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर वन विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ जी यहाँ पे मिटू बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? भैया दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, नन ऑफ द अबव। भैया दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यहाँ पे खिलाड़ी कह रहे सर शीला दीक्षित, कैप्टन मॉर्गन। दोस्तों दिल्ली का पूछा गया, सुचित्रा कृपलानी कैसे बोल रहे? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कहा गया है, बी ऑप्शन कह रहे हैं। वेरी गुड, यहाँ पे भूषण ने सही जवाब दिया, वेरी गुड भूषण। भैया सभी लोग शीला दीक्षित कह रहे हैं यहाँ। चले आगे, रवि वानी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वॉज द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? भैया यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा मुस्लिम था जो कि कहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे बैठा, राहियान, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन कुशरव या कयूमार्स? जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा मुस्लिम है जो कि दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में खुद कहाँ पे बैठा, दिल्ली की गद्दी पे बैठा? यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, डी ऑप्शन। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नसरुद्दीन खुसरव शाह इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इट इज बिलीव दैट द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन विनोबा भावे रीच द विलेज ऑफ विच स्टेट टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लैंडलेस हरिजन? दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब विनोबा भावे एक गांव में पहुंचे थे, वो कौन सा राज्य था जल्दी से आपको बताना है, जहां पर उन्होंने जमीन से लेकर क्या की थी, हरिजनों से बात की थी? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कह रहे हैं गौरव, ठीक है। यूरो फाइटर तेलंगाना कह रहे हैं खिलाड़ी महाराष्ट्र, कैप्टन दीपांशु, तृप्ति। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। सारे लोग महाराष्ट्र के पीछे चले गए हैं लेकिन करेक्ट आंसर तो तेलंगाना। यहाँ पे पूर्णिमा जी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, दीपांशी बहुत बढ़िया, सोनाली वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों संभल के आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज द लेक क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ। आपको दोस्तों कुछ झील के नाम दिए हुए, उनकी गहराई के अकॉर्डिंग उनको जमाना है, कैस्पियन सी, बैकाल सी, तंगानिका और इसी कुल, बताइए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जमाना है। कुछ आपके सामने झील के नाम दिए हुए, उनकी गहराई बढ़ते क्रम में आपको जमानी है। प्रिंस कह रहे ए, खिलाड़ी बी के साथ, नीता बी के साथ। चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, QRPS। दोस्तों सबसे बैकाल, फिर उसके बाद तंगानिका, फिर उसके बाद कैस्पियन सी, फिर इजी कोल। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं खाता है? एक तरफ दोस्तों भाषा दी हुई है, एक तरफ आपको देश के नाम दिए हुए, डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मैड्रिन, चाइना और भाषा थाईलैंड। बताइए कौन सा भैया इसमें से करेक्ट नहीं है। चाइना कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है जल्दी से बताइए, डी ऑप्शन कह रहे हैं यूरोफाइटर, मिस्टर खिलाड़ी, मोनालिसा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां क्या है, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द रेनर माउंटेन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भैया जो रेनर पहाड़िया है वो कौन से यहां पर कंट्री में है, स्टेट नहीं होगा कंट्री में है? न्यूयॉर्क, पुबेला, अल्बर्टा, वॉशिंगटन, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, बी कह रहे हैं आयुष, प्रियंका, कैप्टन मॉर्गन डी के साथ। बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज कॉल्ड सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स एट द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन? स्क्रॉल बार बोलते हैं, रूलर बार बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं या फिर रिबन बोलते हैं? जल्दी से बताइए, यहाँ पे 333 तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 4, रिबन इज द करेक्ट आंसर, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, डैश इज द ओनली इंडियन टू विन एन अमेच्योर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ स्नूकर एंड बिलीज।
दोस्तों यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति है जिसने यहाँ पे स्नूकर और बिलीस में जीता है वर्ल्ड टाइटल। पंकज आडवाणी, लकी बतानी, आदित्य मेहता और गीत सेठी, दोस्तों बड़ा नाम है इनका, इसमें तो गलत आंसर होना ही नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ रहा है सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, पंकज आडवाणी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम 230 लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ 116, फटाफट से इसको 200 के ऊपर लेके आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन, जो फरक्का भैया यहाँ पे पानी संधि है वो किसके किसके बीच में है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों इसको, जल्दी से बताइए। यहाँ पे इंडिया नेपाल कह रहे हैं कैप्टन मॉर्गन, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी, डी डी आ रहा है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया बांग्लादेश होगा दोस्तों। फरक्का बैरेज आपको पता ही है ना, कोलकाता की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने, विच लैंग्वेज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू और नेपाली। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में नहीं ऐड किया गया है। ए ऑप्शन कह रहे खिलाड़ी हशीरा वन के साथ, तो दोस्तों यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, इंग्लिश को नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया, इंग्लिश को नहीं किया गया है, बाकी सारी लैंग्वेज ऐड है। ठीक है अगला क्वेश्चन, इन 1862 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वॉज नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग देन वाइस रॉय टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, भैया 1862 में कौन सा एक भारतीय था जिसको नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव और ऑल ऑफ द अबव। सारे लोग ऑल जोर से बोलो, ऑल है ना, ऐसा हो रहा है क्या दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन काउंट करते चलिएगा दोस्तों 100 प्रश्नों में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, पानीपत इज ऑल्सो नोन एज, भैया पानीपत को और किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ वेवर्स, सिटी ऑफ व्यूअर्स, सिटी ऑफ वॉलंटियर्स या सिटी ऑफ वुड। जल्दी से बताइए, सॉरी वुल, वुड नहीं है, वुल है। यहां पे कह रहे हैं ए ऑप्शन दिव्या खेम ए के साथ, जल्दी से डी ऑप्शन कुछ लोग। यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन सिटी ऑफ वेवर्स, बुनकरों के शहर कहा जाता है पानीपत को। और पानीपत में दोस्तों 3 युद्ध हुए थे, आपको पता होना चाहिए, 1526 में, 1556 में और 1761 में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, भैया यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है जो कि बात करता है भारतीय संविधान में पंचायत के बारे में। आर्टिकल अनुच्छेद 243, 243 आ, 243 बा और 243 सा, मतलब सी, फटाफट बताएंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट दमदारी के साथ शेयर मारेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से। यहाँ पे कह रहे सर 243A, 243A, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 243B। ठीक है क्या है, 243B यहाँ पे है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, 243B कई लोगों ने आंसर किया। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड WTO जो है उसमें भैया कितने यहाँ पर शामिल है देश, जल्दी से। 164 मेंबर है, 160 मेंबर है, 172 मेंबर है या 174 मेंबर्स है, फटाफट बताइए। आयुष कह रहे हैं सर 160 होना चाहिए, प्रियंका 160 के साथ, यूरो फाइटर 164, श्री 172। अरे बोली नहीं लग रही है, कुछ लोग कम बोल रहे हैं उससे ज्यादा बोलते जा रहे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर है 164। ठीक है पता चला 160, फिर दूसरा 164, फिर तीसरा 172, फिर चौथे वाले को और गुस्सा आएगा बोलेगा नहीं 174। चले आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आप सामने, मैरी कॉम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग रिकॉर्ड डैश वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग गोल्ड मेडल इन द लाइट वेट फ्लाई वेट 48 kg कैटेगरी, भैया कौन सी जीती थी जल्दी बताइए, 4th, 5th, 6th और 7th, फटाफट बताइए। मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर है, ठीक है बॉक्सर है, वो कौन से, यहां पे कह रहे सर बी, श्री कह रहे सर 6th होना चाहिए, 6th कह रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या है, 6th, भैया 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोस्तों बहुत गर्व की बात है, महिलाएं बहुत मेहनत करके आगे जा रही है और सभी को आगे चलना होगा, मेहनत करना होगा। अगला प्रश्न,
Which one of the following articles of the Constitution of the India deals with the special provision with the respect of the state of Assam? भैया ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि यहाँ पे क्या करता है special features provide करता है असम को? 371 अ ब स और ड मतलब A B C D। यहाँ पे फटाफट बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर फोर्थ फोर्थ फोर कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू 371B। आगे बढ़े वेरी गुड प्रिंस श्री पूजा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी गुड खेम। अगला क्वेश्चन पंचतंत्र वॉज रिटन बाय भैया किसने पंचतंत्र लिखी है? कालिदास ने विष्णु शर्मा ने तुलसीदास ने या बाण भट्ट ने? फटाफट बताएंगे भैया कि पंचतंत्र किसने लिखी है। यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं मिस्टर खिलाड़ी दिनेश श्री कैप्टन मॉर्गन बहुत बढ़िया दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे विष्णु शर्मा है। जल्दी जल्दी से दोस्तों 100 प्रश्न करने हैं अपन को 60 मिनट में तांडव है 100 प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड भैया यहाँ पे भारतीय आर्मी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में श्रीनगर में कलकत्ता में न्यू दिल्ली में? जल्दी से बताएंगे कहां पर है। और दोस्तों आर्मी डे अपन कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। ठीक है दिल्ली दिल्ली कह रहे हैं सभी लोग तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया इन 1498 भैया 1498 में वास्को डी गामा कौन से यहां पर आया था? भैया जल्दी से बताइए भारत में कहां पर आया था? मद्रास कलकत्ता कैलीकट और बॉम्बे जल्दी से बताइए। वास्को डी गामा ए वास्को डी गामा एक दोस्तों पोर्तुगीज था पोर्तुगल से आया था। कहां से आया था? पोर्तुगल से आया था। ठीक है पोर्तुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। क्या दोस्तों? लिस्बन है। यही है ना दोस्तों गलती तो नहीं हो गई? चलिए फटाफट बताइए सी ऑप्शन कह रहे दोस्तों करेक्ट आंसर है कैलीकट। क्या दोस्तों? कैलीकट इज द करेक्ट आंसर। जमोरिन ने भैया इनका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा भैया यहाँ पे सही तरीके से जोड़ा नहीं किया गया है? भड़कल लेख फरीदाबाद बिंदवास लेख झज्जर चंदेली लेख गुरुग्राम और बुलबुल लेख जिंद फटाफट बताइए। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम 270 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ 148 फटाफट से डबल सेंचुरी मतलब 200 के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है चंदे यहाँ पे चंदेली लेक गुरुग्राम गलत है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनएनआई एंड एनएनपी एनएनआई और एनएनपी के बीच क्या संबंध है? एनएनपी इज इक्वल टू एनएनआई प्लस डिप्रिसिएशन एनएनपी इज इक्वल टू एनएनआई प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज एनएनपी इज इक्वल टू एनएनआई प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम एनएनपी इज इक्वल टू एनएनआई प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। जल्दी से बताइए दोस्तों नेशनल नेट प्रोडक्ट जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन कुछ लोग सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर है बी एनएनपी इज इक्वल टू एनएनआई प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है वेरी गुड मेघना यूरोफाइटर खिलाड़ी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सामने ही रहा हु इज द फाउंडर ऑफ उबर उबर के संस्थापक कौन है? गैरेट कैंप जोआन अटोनियो एंथोनी टैन या नदीम मकरीम? आपको बताना है उबर के कौन संस्थापक हैं फटाफट से। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से। यहां पे रिम्पा कह रहे सर वन होना चाहिए खान सना कह रहे हैं बी ऑप्शन। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन गैरेट कैंप इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड रिम्पा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा येल्लो सी इज लोकेटेड इन पीला सागर कहां स्थित है? यूएसएसआर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यूएसए या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन? जल्दी से बताइए पीला सागर दोस्तों कहां पर है? यहां पे नेहा कह रहे सर वन ऑप्शन ओके खिलाड़ी कह रहे सर बी ऑप्शन प्रियंका बी के साथ सावी बी के साथ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अच्छा दोस्तों एक बात पूछनी थी यहाँ पे ऑरेंज किसकी बात कर रहा हूं? ऑरेंज रिवर की बात कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे कई लोग ना आंसर येलो रिवर समझ के आंसर कर रहे हैं यहाँ पे येलो सी पूछा हुआ है ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा। येलो रिवर अलग है येलो सी अलग है ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, होयसालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? होयसालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और तेलंगाना। जल्दी से बताइए। हाँ जी प्रिंस, आप बिल्कुल सही हैं, फटाफट बताइए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु कह रहे हैं कैप्टन मॉर्गन, कर्नाटका कह रहे हैं कुछ लोग, तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ना तो तेलंगाना है, ना ही केरला है, ना ही तमिलनाडु है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द फेमस क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन इज इन, प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन डैश में स्थित है? दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है? जल्दी से बताइए भैया। ईडन गार्डन, मक्का, क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है इसको। कोलकाता कह रहे हैं खिलाड़ी, कैप्टन मॉर्गन, सुमन, क्या बात है भाई विकास, ओए होए होए, इतनी तेजी से आंसर, गजब। यहाँ पे करेक्ट आंसर कोलकाता। कोलकाता को दोस्तों क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन विच यूरोपियन कंट्री इज द माउंट ओलंपस द हाईएस्ट पॉइंट? माउंट ओलंपस का उच्चतम बिंदु किस यूरोपियन देश में है? टर्की में, साइप्रस में, फ्रांस में, जर्मनी में? फटाफट बताएंगे दोस्तों, सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे यहां पर, फटाफट से आंसर बताना है सभी को। यस, यहां पे कह रहे हैं सर साइप्रस होना चाहिए, कुछ लोग फ्रांस के साथ जा रहे हैं। करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर दोस्तों साइप्रस होगा, ऑप्शन नंबर टू, टू यहां पे करेक्ट है, साइप्रस यहां पे सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड? कई कंप्यूटिंग कार्यों को प्रदान करने के लिए मेमोरी में जगह को पुनर्व्यवस्थित और आवंटित करने को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग। बड़ा सिंपल सा आंसर, इसको गलत मत करिएगा। कैप्टन मॉर्गन कह रहे सर नेटवर्किंग होना चाहिए, प्रिंस कह रहे सर सी ऑप्शन, शादाब कह रहे सर 100% सी होगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू, मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के लिए बात कर रहा है मेमोरी की, तो मेमोरी मैनेजमेंट होगा ना, इतना सिंपल था दोस्तों, इसमें कैसे गलती हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द रवांडा रेंज? दोस्तों रवांडा श्रृंखला में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट करिसिम्बी, माउंट गहिंगा, माउंट बिसोक, माउंट मुहाबुरो। जल्दी से बताइए। और दोस्तों एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। यहाँ पे गहिबा कह रहे हैं, खेमचंद कह रहे हैं सर सी ऑप्शन, यूरोफाइटर। चलिए गहिंगा, गहिंगा तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, माउंट बिसोक। क्या दोस्तों? माउंट बिसोक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सब एक दूसरे को फॉलो मत करो दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियन एथलीट विकास गौड़ा इज एसोसिएटेड विद? भारतीय एथलीट विकास गौड़ा किससे संबंधित है? रेसलिंग से, स्प्रिंट से, डिस्कस थ्रो से, या फिर आर्चरी? ये दोस्तों आर्चरी होना चाहिए, ठीक है, फटाफट बताइए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे यहाँ पे फटाफट से, ठीक है, और काउंट भी करते चलना है दोस्तों, 100 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आपको आखिरी में बताना भी तो है। जल्दी से यहाँ पे डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डिस्कस थ्रो। क्या बात है दोस्तों, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आता है तो मजा आ जाता है सारे लोगों का एक साथ। अगला क्वेश्चन आप सामने, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर और एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। यहाँ पे अफसाना कह रहे हैं सर 1773 होना चाहिए, ओके। यूरोफाइटर 1772, तो दोस्तों 72 कहाँ है यहाँ पे, 72 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पे 73, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और हालांकि 1774 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन किसके तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कोलकाता में सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एल नीनो स्ट्रीम फ्लोज अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक बैंक्स? एल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरी तट के किनारे प्रवाहित होती है? ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका।
यहाँ पे एल नीनो भैया कहाँ पे होती है भैया? बी ऑप्शन कह रहे हैं खिलाड़ी कैप्टन मॉर्गन अखनाना, ओके डी के साथ जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन किसान कांग्रेस हेड, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? कानपुर, लखनऊ, गया और वाराणसी, जल्दी से बताइए। किसान कांग्रेस बोला गया दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बोला गया, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे टू ऑप्शन कह रहे हैं, मेघा टू के साथ, खिलाड़ी टू के साथ, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आईएनसी की बात कर लेता, तो आईएनसी कहां पे हुई थी भैया? पहली बॉम्बे में, कहां पे दोस्तों? बॉम्बे में, ठीक है याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, भैया निम्नलिखित में से किस संस्था ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फटाफट बताइए, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। यहां पे कह रहे सर कैग होगा, कैग कैग कैग, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, दोस्तों आपको एक तरफ थिएटर फॉर्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए, भवाई ठीक है, कृष्णट्टम और तमाशा, गुजरात, केरला, बिहार, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वन एंड थ्री, वन एंड टू, वन टू थ्री एंड टू थ्री, यहां सावी कह रहे सर वन एंड टू होना चाहिए, खिलाड़ी भी बी के साथ, कैप्टन मॉर्गन बी के साथ, पीहू, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? वन एंड टू। तमाशा क्यों नहीं दोस्तों? तमाशा कौन करते हैं? महाराष्ट्र वाले करते हैं, और नौटंकी कौन करते हैं? यूपी वाले करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, द बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय, बुद्ध चरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? अमर सिम्हा, भाषा, वीर सेना और अश्व घोष। और दोस्तों अभी तक लगता है 295 लोग अपन लाइव है, लेकिन लाइक सिर्फ 195, ऐसा क्यों? फटाफट से इसको 250 के ऊपर लेके चलते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बहुत बढ़िया दोस्तों, अश्व घोष इज द करेक्ट आंसर। क्या है? अश्व घोष। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 2000 रुपीज नोट, 2000 रुपए के नोट के पीछे मुद्रित चित्र क्या दर्शाता है? प्रोग्रेस इन इकोनॉमी, अकम्प्लिशमेंट इन स्पेस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताना दोस्तों 2000 नोट के पीछे क्या बताता है। यहां पे खिलाड़ी बी के साथ, सावी बी के साथ, मेघा, गोपाल, सानिया, प्रिंस विमल, अफसाना, वेरी गुड। यहां पे करेक्ट आंसर दोस्तों अकम्प्लिशमेंट इन स्पेस, MOM, दोस्तों अपन लोग मार्स में गए थे ना, मिशन ऑन मार्स। अगला क्वेश्चन, Which of the following article states about the effect of failure to comply with or to give effect to direction given by the union or president rule? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ राष्ट्रपतियों के शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के प्रभाव या उसके बारे में बताता है? 365, 366, 367 और 368। यहाँ पे 66 कह रहे हैं यूरोफाइटर 65 के साथ, तो भाई दो ऑप्शन में फाइट हो गई, 65 और 66 में, लीजिए 67 भी आ गया, लीजिए 68 भी आ गया, चारों ऑप्शन आ गए आपके सामने। करेक्ट आंसर तो दोस्तों 365 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट मद्रास इन विच ईयर, दोस्तों आपको पता है कि भारत के मद्रास में पहली नगर पालिका किस वर्ष में स्थापित की गई थी, ये पूछा गया है। मद्रास में यहाँ पे दोस्तों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पे पंचायत? राजस्थान में, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कह रहे सर 1767, दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? 1687। क्या 1687? ऑप्शन नंबर बी। हाँ नेहा जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैप्टन मॉर्गन, खिलाड़ी, यूरोफाइटर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Which of these district of Haryana is famous for the production of basmati rice and called as the
धन का कटोरा और धान का कटोरा और बाउल ऑफ राइस, इनमें से हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे धान का कटोरा कहा जाता है? अंबाला, करनाल, रोहतक और जिंद। यहां पे जिंद कह रहे हैं कैप्टन मॉर्गन, खिलाड़ी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन, ओके रोहतक के साथ जा रहे हैं, दीपक कह रहे हैं सर करनाल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे है करनाल। क्या दोस्तों? करनाल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, और दोस्तों करनाल मिल्क के लिए भी फेमस है ना दोस्तों। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आप सामने ही रहा। विच स्टेट इज द नंदा देवी लोकेटेड? भैया नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पांचवा दोस्तों कर्नाटका। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यूके, 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 यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे क्या? अच्छा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अच्छा दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? उत्तराखंड। अच्छा दोस्तों नंदी हिल कहाँ पे है? जल्दी से बताइए नंदी हिल कहाँ पे है। दोस्तों ये अपन ने हाल में पढ़ा था, गलत मत करिएगा। नंदी हिल कहाँ पे है? नंदी हिल, हाँ जी उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नंदी हिल कह रहे हैं कर्नाटक, 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 वेरी गुड। कर्नाटक में, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बर्थ रेट मेजर्स द बर्थ ड्यूरिंग एन ईयर, पर जन्म दर प्रति वर्ष एक वर्ष के दौरान कितने जन्म को मापता है? 100 पॉपुलस, 100,000 पॉपुलस, 10,000 पॉपुलस या 1,00,000? जल्दी से बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। 1,000 कह रहे हैं खिलाड़ी सावी, 1,000 के साथ खिलाड़ी, ठीक है रितुल, 1,000, 1,000। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1,000। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया है? आत्मी सभा, राजा राम मोहन रॉय, संगत सभा, केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओनली 1, 2, 3 और 4। तृप्ति कह रहे सर 2 मैच सही नहीं है, यहां पे ओनली टू आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेयर इज द बद्री नारायण टेम्पल लोकेटेड, बद्री नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, बिहार में और हरियाणा में। बद्रीनाथ, यहाँ पे बद्री नारायण मंदिर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे कह रहे सर यूके, यूके। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। यूके इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून। क्या दोस्तों? देहरादून। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर सिस्टम, भैया आपको बताना है कि कौन सी गोदावरी रिवर की क्या है एक सहायक नदी है? प्रणहिता, इंद्रावती, बिंदुसार, सबरी या फिर मंजीरा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 1, 2, 3 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 3, 4 and 5 ओनली या 1, 2, 3 and 5। यहां पे सीमा कह रहे सर डी ऑप्शन होना चाहिए, प्रिंस ऑल के साथ, अनिमेश ऑल के साथ, रिम्पा वन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे 1, 3, 4, 5। हर बार ऑल काम नहीं आने वाला। ठीक है चलें आगे, अगला क्वेश्चन आप सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस ग्रैंड स्लैम्स इज प्लेड ऑन क्ले सरफेस, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम चिकनी सतह पर खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों। 100 प्रश्नों का तांडव 60 मिनट में अपन को कंप्लीट करना है और आपको आखिरी में बताना है 100 प्रश्न में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है यहां पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, फ्रेंच ओपन। ठीक है अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा। मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंदौर में, मथुरा में, आगरा में या कोची में। जल्दी से बताइए यहां पे मोती मस्जिद बोला गया है, आसानी से आंसर हो सकता है इसका। यहां पे कह रहे सर आगरा, आगरा, आगरा। तो चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर आगरा है। दोस्तों मोती मस्जिद किसने बनवाई थी जल्दी से बता दीजिए। रेड फोर्ट तो भैया यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल भी भैया शाहजहां ने बनवाया था, पीकॉक थ्रोन भी शाहजहां ने बनाया था। ये बताइए कि भैया मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां, 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 कुछ लोग कह रहे औरंगजेब। दोस्तों इसको होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क नंबर 1 आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भैया किसने बनाई थी मोती मस्जिद, कंफ्यूज मत होइए। अगला क्वेश्चन।
अंडर द भूदान योजना एक्ट 1954 लैंड टेकन फ्रॉम द रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, दोस्तों भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के तहत भूमि को पुनर्वितरण के लिए किससे लिया गया जाता था, गवर्नमेंट से, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और बोनाफाइड लैंड ओनर से। यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मनोज कह रहे सर एससी होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे अभी तो अपन ने देखा था कि भूदान योजना कहां पे, दोस्तों जल्दी से बताइए, यहां पे बोनाफाइड लैंड ओनर्स, ठीक है, प्रमाणिक भू मालिक। आगे बढ़े, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, तमिलनाडु, संस्कृत, कन्नड़ और असामीज। दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज 6 लैंग्वेज है, ठीक है, इससे पहले भी अपन ने किया था 6 लैंग्वेज, बताइए किसको नहीं किया गया है, संस्कृत, संस्कृत कह रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, असामीज, क्या दोस्तों, असामीज, संस्कृत को तो किया गया है, ये याद रखिए, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, When is the World Tourism Day observed on? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 19 सितंबर, 23 सितंबर, 27 सितंबर और 29 सितंबर, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, टूरिज्म डे कब मनाते हैं दोस्तों, ये तो पता है सितंबर में मनाते हैं लेकिन कब मनाते हैं, खिलाड़ी कह रहे सर 27, सीमा 27 के साथ, प्रताप कह रहे सर 23, नहीं प्रताप 23 तो नहीं है यहाँ पे करेक्ट आंसर, सब लोग कह रहे 29 भी नहीं है, करेक्ट आंसर 27 है, क्या है, 27 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जोबट इज एन इरिगेशन कैनाल इन द रिवर हथनी, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, दोस्तों जोबट हथनी नदी में एक सिंचाई नहर है, यह डैश की एक सहायक कौन सी सही बैंक सहायक नदी है, तप्ती सही नहीं होना चाहिए, दाहिनी होना चाहिए, ठीक है, नर्मदा, सोन और यमुना, जल्दी से बताइए, यहाँ पे यमुना कह रहे हैं दोस्तों, सिंपल सा आंसर है इसका, इसका आंसर दोस्तों नर्मदा, दोस्तों हथनी, शेरनी, हिरणी, ठीक है, तवा, ऐसे शक्कर, ये इसके ही है सारे ट्रिब्यूटरी, जो किचन में सामान मिल जाए, जो जानवरों का नाम मिल जाए उसी की है, ठीक है, तो यहाँ पे बात की थी हथनी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सामने, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम विद दोस कॉलम पी, दोस्तों कॉलम ए में कन्वेक्शन दिए हुए हैं, बेजल कन्वेक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, एक तरफ दिया ओजोन लेयर, हैजार्डियस वेस्ट डंपिंग, ग्रीन हाउस गैस, दोस्तों आसानी से मैच हो जाएगा, फटाफट से कर लीजिए जल्दी से, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, यहां पे कह रहे हैं जल्दी से बताइए, ए ऑप्शन आ रहा है कैप्टन मॉर्गन, सीमा कह रहे सर सी ऑप्शन, दोस्तों चलिए देख लेते हैं, दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है ना, ओजोन से है तो मतलब 2-1 होना चाहिए, 2-1 तो मेरे को सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, बाकी में तो दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों बाकी में नहीं दिख रहा है तो एलिमिनेट मारूंगा भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन से है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, तो बी क्यों बोल रहे थे दोस्तों, सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल बजट रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, डैश वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के अतिरिक्त के रूप में परिभाषित किया गया है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल सरप्लस, फिस्कल डिफिसिट या प्राइमरी डिफिसिट, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। दोस्तों यहां पर अभी हम 305 लोग लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 243, फटाफट से तीसरा शतक पूरा कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे कह रहे सर फिस्कल होना चाहिए, फिस्कल तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स अबाउट द कस्टडी एटसेट्रा ऑफ कंसोलिडेट फंड, कंटीजेंसी फंड एंड मनी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वरूपित धन, आकस्मिक धन और सामूहिक खाते में जमा धन के कस्टडी के बारे में बताता है, अनुच्छेद 283, 284, 285 और 286, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे फटाफट से, 284 कह रहे हैं तृप्ति रमानी, कह रहे सर 285 है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 283 है, क्या दोस्तों, 283 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए 283 ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड हशीरा। अगला क्वेश्चन आप सामने ही रहा,
What makes the judiciary the guardian of the constitution? Service condition, salary, judicial review, या all of the above? जल्दी से बताइए फटाफट से दोस्तों. What makes judiciary the guardian of the constitution? भैया ऐसा क्या बनाता है जिसको हम संविधान का यहाँ पे क्या बोलते हैं, रक्षक बोल देते हैं, गार्जियन बोल देते हैं, ऑल ऑल ऑल. तो दोस्तों करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू. भैया ऑल कैसे आ जाएगा, सैलरी और सर्विस कंडीशन कहाँ आता है, जुडिशियल रिव्यू ही तो है. जो भैया अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, जुडिशियरी. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अराइज आउट ऑफ द माउंट एलब्रस? विस्तुला, बक्सन, मलका और कुबान. जल्दी से बताइए. नॉट नॉट लिखा है दोस्तों. कौन सा भैया जो कि अराइज नहीं होता है आउट ऑफ द माउंट एलब्रस? यहां पे सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं पिंटू जी, बाकी लोग क्या इसके साथ जा रहे हैं? यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विस्तुला. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने. द राजपुताना स्टेट रेलवे वॉज रिनेम्ड एज राजपुताना डैश रेलवे 1882. दोस्तों आपको बताना है जो राज यहाँ पे राजपुताना रेलवे स्टेट रेलवे था उसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राजपुताना डैश रेलवे इन 1882. भोजपुर, मालवा, पूर्वांचल और गिर्द या गिर. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पिंटू ए के साथ, सीमा ए के साथ, अनिमेश ए के साथ, रिम्पा डी के साथ. तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, मालवा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ए कैसे हो जाएगा, भोजपुर कैसे हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन. द चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति इज कॉल्ड. भैया पंचायत समिति के चेयरमैन को क्या कहा जाता है, या अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या नन ऑफ द अबव? किसकी बात की गई है, पंचायत समिति दोस्तों, फटाफट बताइए. मतलब सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं. सबसे ऊपर होता है जिला परिषद. क्या होता है दोस्तों, जिला परिषद सबसे ऊपर होता है, सेकंड में होता है पंचायत समिति और लास्ट में होता है ग्राम सभा या सॉरी ग्राम पंचायत. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे सर प्रधान, प्रधान तो दोस्तों करेक्ट आंसर है प्रधान. ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन. कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? भैया कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय जानवर है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन? दोस्तों क्रिकेट अगर आप देखते थे तो अपन क्या कहते थे उस टीम को, कि टीम याद आ रही है आपको, उस टीम को अपन कहते थे कंगारू टीम. फटाफट बताइए. न्यूजीलैंड को तो अपन कीवी टीम बोल देते थे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी सी सी, तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. ऑस्ट्रेलिया कैपिटल दोस्तों कैनबेरा. क्या दोस्तों, कैनबेरा. अगला प्रश्न आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज? भैया ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि यहाँ पर परिभाषा बताता है किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की. अनुच्छेद 243 जेड एच, आर्टिकल 243 जेड आई. भैया 243 जेड तो सब में कॉमन है, एच आई जे के. बताइए कौन सा करेक्ट है. यहाँ पे कह रहे सर थ्री ऑप्शन होना चाहिए, जेड एच कह रहे हैं कुछ लोग, ऑप्शन नंबर वन. तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, आर्टिकल 243 जेड एच, जो कि बताता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. अगला क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ द ओशियन आर नेरेक्टिक सब्सटेंसेस फाउंड? दोस्तों आपको बताना है कहाँ पे फाउंड होता है नेरेक्टिक सब्सटेंसेस, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल कोस्ट, ओशियनिक प्लेन या ओशियनिक ट्रफ? और दोस्तों फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से गुजारिश है फटाफट से लाइक करेंगे और यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे. ए ऑप्शन कह रहे हैं रिम्पा ए के साथ, चलिए यहाँ पे अंशी ए के साथ. दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, कॉन्टिनेंटल कोस्ट. क्या दोस्तों, कॉन्टिनेंटल कोस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है. आगे बढ़े. हाँ जी तृप्ति जी बिल्कुल आपका करेक्ट है, रिम्पा जी बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. डैश इज यूजली यूज टू रेस अर्जेंट मैटर्स एंड इज अनेबल टू वेट फॉर द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड अंडर अदर प्रोसीजर, डिबेट्स, मोशंस, क्वेश्चन आर या जीरो आर? जल्दी से बताएंगे. दोस्तों आपको पता है अपना जो पार्लियामेंट सेशन होता है वो स्टार्ट क्वेश्चन आर से होता है, फिर 12 बजे जीरो आर होता है. बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है. जीरो आर कह रहे हैं रितुल. दोस्तों अर्जेंट मैटर हम किसमें उठाते हैं, जल्दी से बताइए. हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जीरो आर. आपको पता ना जीरो आर में अपन को नोटिस मतलब नोटिस पीरियड का वेट नहीं करना होता है, नोटिस नहीं देना होता है, डायरेक्टली हम अर्जेंट कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना है तो वो कर सकते हैं. अगला प्रश्न आप सामने ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉमिस? दोस्तों ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसको हम लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं, क्यूबा, जावा, सुलवेसी और मिंदनाओ? फटाफट बताएंगे.
ओके आदर्श जेना ने करेक्ट किया है, ओके वेरी गुड आदर्श जेना। यहां पे सी ऑप्शन कह रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, मिंदनाओ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग? भैया बताना है, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल, अमर्त्य सेन, पीसी महलनोबिस, फटाफट से दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग थे। आपको पता होना चाहिए इनके नाम पर एक 5 ईयर प्लान भी था। डी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, पीसी महलनोबिस। दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहली किस पे थी? हेरल्ड डोमर पे। किस पे दोस्तों? हेरल्ड डोमर पे बेस थी, हेरल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी थी पीसी महलनोबिस पे और तीसरी थी गडगिल योजना पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है पीसी महलनोबिस। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ये तो दोस्तों आपको आएगा दिखेगा भी नहीं, चलिए इसको छोड़िए। अगला प्रश्न, द कोस्टल सिटी लोकेटेड एट खारी रिवर इज? भैया यहाँ पे कौन सा कोस्टल सिटी है जो कि खारी रिवर पर मौजूद है? बीकानेर, सिरोही, असिंध या झालावाड़? जल्दी से बताइए कौन सी है खारी रिवर पे। सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन, अंशी, खिलाड़ी, अनिमेश। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, असिंध, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड लिमिटेड राइट टू स्ट्राइक? दोस्तों ऐसा कौन सा भैया एक्ट है जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, जो आपका राइट? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। 26 कह रहे हैं दोस्तों, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर होगा यहां पे 1926, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अ ट्रांसफर पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ? दोस्तों जब हम यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट को रिकॉग्नाइज किस तरीके से करते हैं? नो टैक्स रिलीफ इज गिवन, नो मनी इज इन्वॉल्व, नो गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस, बोथ 1 और 2। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। यहाँ पे बोथ कह रहे दोस्तों, करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, द लार्जेस्ट एवर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस सपोर्टेड द मेजोरिटी जजमेंट? अजीत नाथ रेत ने, मिर्ज हमीदुल्ला ने, सादानंद द्विवेदी ने या सर्वमित्रा सिकरी ने? दोस्तों आपको बताना है केशवानंद भारती केस, और जो कि यहाँ पे कौन सा केरला राज्य के बीच में हुई थी उसमें किसने सपोर्ट किया था मेजोरिटी जजमेंट? सदानंद कह रहे हैं, तृप्ति, ओके, यूरोफाइटर सिकरी कह रहे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर है सर्वमित्रा सिकरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यूरोफाइटर। आगे बढ़े, सिकरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? भैया अंडमान और निकोबार की क्या राजधानी है? कावरत्ती, ईटानगर, गैंगटॉक और पोर्ट ब्लेयर? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है। डी ऑप्शन आ गया, मेघा, अंशी, मनीषा। चलिए करेक्ट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैन बी फाउंड मोस्टली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? किस तरीके का वन्य आपको यहाँ पे दिखेगा वनस्पति जम्मू और कश्मीर में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन और कॉर्निफेरस फॉरेस्ट? किस तरीके का दिखेगा भैया जंगल, वन किस तरीके दिखेंगे? यहाँ पे कह रहे सर डी ऑप्शन, कॉर्निफेरस दोस्तों कह रहे हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? कॉर्निफेरस। किस तरीके का है दोस्तों? कॉर्निफेरस है यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, जिसका एग्जाम्पल क्या था दोस्तों? पाइन ट्रीज। क्या दोस्तों? पाइन ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द न्यू ₹50 करेंसी नोट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों आपको बताना है भैया क्या साइज है यहाँ पे जो कि ₹50 का नोट रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया है? 135 × 66, 145/69, 136/56, 156/60। ए ऑप्शन कह रहे हैं खिलाड़ी, प्रियंका 2 के साथ, रवि 1 के साथ, 136 और 66 कह रहे हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 135 और 66 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड। दोस्तों एक इंडिया का यहाँ पे एक स्थायी रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री नाम का, वो कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय में, इंडियन ओशन में, अंटार्कटिका में या अरेबियन सी में? फटाफट बताइए। यहाँ पे अंटार्कटिका कह रहे सावी, खिलाड़ी कह रहे सी ऑप्शन, रितुल, प्रियंका, बहुत बढ़िया, अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। ओ हो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं फॉर एसएससी सीएचएसएल। तो दोस्तों आप हर रोज यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। तीन क्लासेस होती है दोस्तों, दोपहर 2 बजे कौन सी क्लास होती है दोस्तों? 2 से 3 होती है आरआरबी की, रेलवे की क्लास होती है दोस्तों। शाम को सीएचएसएल की क्लास होती है 6 से 7 बजे यूट्यूब पर। और रात को दोस्तों जगराता ऑल एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, ऑल एग्जाम दोस्तों 11 से 12 बजे रिवीजन क्लास जिसको हम कहते हैं, जहां पर 100 प्रश्न करते हैं 11 से 12 बजे। और दोस्तों आपको यहां पे पीडीएफ कहां पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। क्या सर्च करेंगे दोस्तों? गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम वहां पे पब्लिक चैनल मिल जाएगा। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और ये रही बहुत सारी लिंक आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे लिंक के साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अभी के लिए आपका गौरव आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।